एकदम रेस्टोरेंट जैसा वेज क्रिस्पी बना है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ विशाखा और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आपको होटल स्टाइल वेज क्रिस्पी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। सो जब भी आपका मन करे कुछ क्रिस्पी एंड स्पाइसी खाने का, तो इस रेसिपी को देखिए और घर पे ही रेस्टोरेंट जैसा वेज क्रिस्पी बनाकर खाइए। तो पहले हम फटाफट इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। वेज क्रिस्पी बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च, एक गाजर, 8 बेबी कॉर्न्स, फूलगोभी और पत्ता गोभी ली है, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के लिया है मैंने। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। वैसे ये क्रिस्पी स्टार्टर है, सो हमें 4 बड़े चम्मच मैदा चाहिए और 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटी हुई लहसुन लेंगे 1 बड़ा चम्मच और बारीक कटा हुआ अदरक भी लेंगे 1 बड़ा चम्मच। फाइनली चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन व्हाइट्स लेंगे 1 बड़ा चम्मच और नींबू की स्लाइस ली है मैंने गार्निशिंग के लिए। स्पाइसी डिश है, सो 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस और 2 बड़े चम्मच टमाटर केचप लेंगे। 2 बड़े चम्मच हम शेजवान सॉस लेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट लेंगे 1 छोटा चम्मच। नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। चीनी और काली मिर्च पाउडर लेंगे हम आधा छोटा चम्मच इतना। सब्जियां फ्राई करने के लिए पहले हम घोल बनाएंगे, तो इसके लिए मिक्सिंग बाउल में मैदा डालेंगे और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर से क्रिस्पीनेस आता है। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए तो इसकी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाकर इसका हमें स्मूथ बैटर बनाना है। मैदा डालने से कॉर्नफ्लावर के बैटर में गाढ़ापन आता है, इसके लिए हम मैदा का यूज़ कर रहे हैं। बैटर हमारा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस बैटर में हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे अब और अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए हमारा बैटर अब बन चुका है। तो इसमें हम सब्जियां डालेंगे। इसमें आप मशरूम, फ्रेंच बीन्स, पनीर भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पनीर क्रिस्पी की रेसिपी शेयर की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे सब्जी को अच्छे से कोट करेंगे और इसे हमें तुरंत ही डीप फ्राई कर लेना है। तो तेल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा है कढ़ाई में। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो अब केयरफुली हम कोटेड किए हुई सब्जियां डालेंगे। आज को मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। जब तक कि बाहर से क्रिस्पी फ्राई नहीं होती है तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे हमें पलटते रहना है ताकि ये सारी जगह से अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो सके। तो देखिए गाइस, हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं और मैं इसी तरह बची हुई सब्जियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। सब्जियाँ फ्राई हो गई हैं, तो अब स्पाइसी सॉस बना लेते हैं। डीप पैन को आंच पर रखेंगे। जिस तेल में हमने सब्जियाँ फ्राई की थी वही तेल का यूज़ करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल पहले से ही गर्म है, तो इसमें हम बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं अदरक और लहसुन को। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है वो डालेंगे। हल्का फ्राई कर लेते हैं। चाहे तो आप इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमें तेज आंच पर ही स्टर फ्राई करना है। अब फ्लेम को धीमी आंच पर रखेंगे। इसमें अब सॉस डालेंगे। अब 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, तीखापन के लिए हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, तीखापन को बैलेंस करने के लिए चीनी डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। इस सॉस को बनाने के लिए हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे। इससे कलर भी आएगा और हमारा सॉस टेस्टी भी बनेगा। चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सॉस की कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो देखिए हमारा सॉस रेडी है। तो फ्राइड किए हुए जो वेजिटेबल्स है वो आप डालेंगे इसमें। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा सॉस है वो अच्छे से कोट हो जाए सब्जियों को। इसे हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, नहीं तो ये सॉगी बनेगा। सो फ्लेम को करते हैं बंद और इसे फटाफट प्लेट में निकाल कर गर्म ही सर्व करेंगे। सो दोस्तों, स्पाइसी और क्रिस्पी वेज तैयार है। ऊपर से कुछ पत्ता गोभी और स्प्रिंग अनियन डालकर शेजवान चटनी के साथ सर्व करेंगे। सो है कि नहीं एकदम रेस्टोरेंट जैसा वेज क्रिस्पी? सो आपके घर पे पार्टी हो या कुछ क्रंची एंड स्पाइसी खाने का मन करे, तो इस रेसिपी को देखकर तुरंत ही इसे बनाकर खाइए और खिलाइए।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, कमेंट कीजिएगा अगर आपकी कोई राय हो या कोई डाउट्स हो, और शेयर कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी। बाय बाय।